ये भाई वी आर फाइनली इन अहमदपुर। फाइनली अब पता चल गया अहमदपुर में ही है। अब हम ट्रेन का इंतज़ार करेंगे भाई। ये देखें स्लो मोशन में ट्रेन आते हुए, इसके लिए हम लोग रुके हुए। इसको कहते हैं दर्रा, दर्रा इस बंद फाटक, फाटक फाटक बंद हुई भी है। बेटा क्या हाल है, ठीक हो? हैं क्या हाल है तेरे, ठीक है? तबीयत सेहत ठीक है? तू भी ठीक है? जो है ना ये भी मेरे कज़न का घर है, ये भी मेरे रिश्तेदार है, ये भी मेरे रिश्तेदार हैं, सारी है पूरी बस्ती जितनी भी होगी सारे मेरे रिश्तेदार ही लगते हैं। ये इसका मैं मामू लगता हूँ, चाचू भी लगता हूँ, लेकिन फिर भी बदतमीज़ है, मेरी इज्जत नहीं करता। मैं बड़ा परेशान हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं जो असली काम था हमारा। ओ भैंस, अभी उस दिन से ऐसी खड़ी है। हाँ जी, टायर कौन सा पंचर है वो देख ले, हवा कम लग रही है इसकी, हवा कम है, गियर सेट है। ये है जी हमारा छोटा सा मेंशन यहाँ पे, इसका अभी तक हमें दरवाजे का नहीं पता खुलेगा नहीं खुलेगा, देखा चेक कर दें। ये भी हमारी था, बड़ी यादें इधर भावलपुर वाला घर बनने से पहले मैं इधर ही होता था। लॉक ही होगा फॉर श्योर, लॉक है वो, पड़ा एसी जिसने बड़ा सहारा दिया हमें इधर की तपती गर्मियों में। गीज़र भी था, गीज़र खड़ा हुआ अभी तक। ये हालात है भाई इधर के, जब बंदा कोई घर छोड़ के चला जाता ना ये हालात हो जाते हैं। ये भाई आपका कमरा है, वॉशरूम बन रहा है अब आपका। चलो माशाल्लाह। नहीं है पानी, ये बोतल है। असद भाई ये क्या क्या हो रहा है? अब पानी डाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। बस हो गया, ठीक है। आज ब्लू है पानी, पानी पानी। ये जी आज है ये बैठा है और ये डायलॉग, ये असद मामू पे डायलॉग बनाता है। यस चल भाई, जो हमारा मेन काम था वो अब स्टार्ट हो चुकी है। अल्लाह करे बस उसको अब लेके जाना बावलपुर, हो सकता है उसामा भाई को भी साथ लेते चलूँ, क्योंकि एक तो मौसम इस तरह का है, ऊपर से जरा रात का टाइम है तो मुझे साथ में कोई ना कोई को ड्राइवर चाहिए होता है। हाँ को ड्राइवर। ओ भाई सिंधी टोपी क्या लग रहे हो यार, वो उसका नाम क्या हो, जो सिंधी बंदा जो भूल जाता है हर वक्त, कायम अली शाह। ये खड़ा अपना रिवो शिवो ले गए। ओ आज बाबू ये बंदा जो है ना ये बड़ा गुड़ बंदा है, बहुत चलाक है, ये बड़ा शैतान है, ये अभी शरीफ बन के खड़ा हुआ है। अमीर हो गया है, 100 रुपया पकड़ा है, रिच बॉय रिच बॉय रिच बॉय। खुशी खुशी तो देखो। हाँ डायलॉग अब नहीं बोलना वो जो बोलते हो। और ये भी है, ये हमारे कज़न का बेटा है, इसको भी ये भी अमीर हो गया है, शह शू खाएगा। ये उसकी बहन है छोटी, इसको तुमने 50 देने हैं। ए वो पैसे दिए, उस पैसे 50 तुम्हारा है, ठीक है
ये सोचूं पंजाब ते दई ये सुन सनाटे है भाई, बच्चे बोलते ही नहीं है, ये काफी देर खड़ी रहेगी, अब इसको बंद करता हूँ। फाइनली अब रोड पे तो आ गई है, टायर के अंदर पंप के थ्रू हमने हवा शवा भर ली थी, इसको जाके इसका पंचर वगैरह चेक कराते हैं, अलाइनमेंट बिल्कुल आउट हुई हुई है। आपको ज़मीनें नहीं दिखा सका, आपको अपने जानवर नहीं दिखा सका ड्यू टू मी बीइंग लेट फॉर भावलपुर, क्योंकि अंधेरा हो जाता और अंधेरे में गाड़ी चलाना मैं सही नहीं समझता। इसका पंचर भी चेक करवाते हैं, अल्लाह खैर करेगा वैसे पहुंचा दे, इसको वहां जाए खड़ा देनी है, उसके बाद वहां पे काम हो जाएगा। भावलपुर में अहमदपुर के अंदर जाओ ना तो आपको मुसीबत पड़ जाएगी, रोडें हैं नहीं और ना ही मेरा इरादा है उधर जाने का, मैंने बस इसको किसी तरीके से हाईवे तक पहुँचाना है। और मैंने टोपी उतार दी, मेरे बाल इतने गंदे लग रहे होंगे, पर खैर कोई नहीं। अच्छा भाई तो बहुत मुश्किल हो रही है यार ब्रेकों की वजह से, ब्रेकें बेचारी की जाना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं। तो मैं अब जूस खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हाथ से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीन ऐसा है कि भाई थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं क्योंकि टांगे कांप रहे हैं इसको चला के, इसमें ब्रेक्स जो है ना बहुत ही लूज़ हुई हुई हैं इसकी। अल्लाह खैर करे बस ठीक सलामत सही सलामत घर पहुँच जाऊँ ऐसी ब्रेक्स के ऊपर, बाकी आगे देख लेंगे क्या करना है इसका।